हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमएनएसएस एम। सो एज़ यू ऑल नो, आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइनली ये डिसाइडेड हो गया है कि हमें एमएनएस का एग्ज़ाम जो है वो नीट के थ्रू ही देना होगा। एंड इसके लिए हमारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। एंड अभी जो है एमएनएस का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर चल रहा है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर यू ऑल दी डाउट्स रिगार्डिंग एमएनएस 2022 एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। आपको जो भी डाउट है इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट इट्स वेरी सिंपल, लाइक फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। बस एक दो चीज़ें आपको उसमें चेंजेस मिलेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एमएनएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर नीट यूजी, ओके, आपको नीट एग्ज़ाम के लिए पहले रजिस्टर करना होगा। एंड उसके लिए फिर आप अपना पूरा फिलिंग करोगे, उसका डिटेल्स या डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देन आपको पेमेंट करना होगा। अमाउंट फॉर जनरल कैटेगरी इज 1600 एंड डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए थोड़ा कम अमाउंट है, एक अमाउंट थोड़ा बहुत वेरी करता है, दैट्स ओके। सो फर्स्ट स्टेप जो है, अगर आप एमएनएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ आपको पहले नीट के लिए रजिस्टर करना होगा। नीट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। सो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नीट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो काफ़ी लेट हो रहा है, आप जल्दी से अप्लाई कर दो उसके लिए। अदरवाइज़ लास्ट के कुछ दिनों में आपको सर्वर डाउन मिलेगा एंड आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो नीट के लिए रजिस्टर करने के बाद आपको एमएनएस फॉर्म फिल करने के लिए पहले जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ओके, जॉइन इंडियन आर्मी आप सर्च करोगे गूगल पे, वहाँ पे आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, देन आप वहाँ पे जाओगे। ओके, उसके बाद आप, अगर आप न्यू हो, अगर आपने आज से पहले कभी एमएनएस का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो एक प्रोसेस होती है वो फॉलो करनी होगी विदर आधार कार्ड नंबर। ओके, आप कोई भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, बट आधार कार्ड जो है मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स वही करते हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू, आई एम जस्ट टेलिंग। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आपने कभी भी एमएनएस का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे न्यू हो, तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जनरेट होगा, तो उसके थ्रू ही आप एमएनएस के लिए अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं, मतलब अभी से पहले आप एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप लोगों को रजिस्टर करने की, न्यू रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, वो हर बार जाके न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ओके, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले और आप एग्ज़ाम दे चुके हो, तो आपको सिर्फ अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो याद रखना होगा। यूज़र नेम एंड पासवर्ड अगर आप उसमें ऑफिसर्स एंट्री में जाके लॉगिन करोगे, तो फिर आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। ओके, और अगर कोई बच्चा अपना पासवर्ड भूल गया है, तो नीड नॉट टू वरी, आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर दोगे। जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला होगा, उस पर आपको एक ओटीपी होगा, ओटीपी आएगा, या फिर एक लिंक जो है वो आपके मेल पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि मैम हम हमारा पासवर्ड भूल गए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर दो, बट आपके पास वो मेल एंड वो नंबर, फ़ोन नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया था अपने आप को विद द वेरी फर्स्ट टाइम, वो होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़, जब आप ये सब प्रोसेस करोगे, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एमएनएस फॉर्म का, जो कि है डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स है 10th and 12th की मार्कशीट। आप जब भी रोल नंबर डालो, तो उसको 2-3 बार क्रॉस चेक किया करो, सो दैट आपने कभी मिस्टेक से कुछ गलत टाइप ना किया हो, जैसे 10th and 12th की मार्कशीट में। ओके, तो इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाली होगी तो। नेक्स्ट इज़ योर आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर भी आप ज़रूर क्रॉस चेक किया करो। फॉर्म भरने के बाद आप एक बार सबमिट करने से पहले उसको पूरा चेक करें, उसके बाद ही सबमिट करें, बिकॉज वंस इट्स सबमिटेड आप उसको बैक नहीं कर सकते हो एंड फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है फॉर्म फिल करते टाइम। ओके, नेक्स्ट इज़ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद डेट। आपको लेटेस्ट फ़ोटो लगानी है जिसमें आपका डेट जो है मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ फ़ोटो। ओके,
आप जो है वो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं उस पर और डेट ऑफ फ़ोटो भी लिखवा सकते हैं। नीट के लिए आपको पता होगा कि उसमें भी हमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है एंड पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। आई होप आप सब ने वो क्लियरली फिल कर दिया होगा। देन अ मेजर डाउट इज़ नीट का जो रोल नंबर मांग रहे हैं जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अभी तक रोल नंबर आए नहीं है। रोल नंबर कब आते हैं? जब हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है, तो उसकी प्लेस पे आप नीट का जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपका वो डालेंगे। ओके, रोल नंबर नहीं है वी ऑल नो, तो उसकी प्लेस पे आपको अपना नीट का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर तभी जनरेट हो जाता है जब आप उस पर रजिस्टर करते हैं, तो वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे पुट अप करना है। ओके, देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से हैं तो अगर वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है तो आप ज़रूर अपलोड करें इफ़ यू आर फ्रॉम एससी एसटी और एनी कास्ट। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी डॉक्यूमेंट्स के, एंड रजिस्टर का भी मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू आर न्यू एट जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट देन प्लीज़ फर्स्ट रजिस्टर योर सेल्फ, और अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं तो फिर आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड याद होना चाहिए। एंड अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो यू कैन फॉरवर्ड पासवर्ड पे आप क्लिक कर सकते हो, बट आपके पास वो मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वो होना चाहिए, सो दैट आपको ओटीपी जनरेट हो सके। ओके, और भी किसी की कोई भी क्योरी होगी रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो आई होप आप सब ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा। जिसने नीट के लिए रजिस्टर कर दिया है वेल एंड गुड, एंड जिसने नहीं किया है सो आप प्लीज़ इमिडिएटली जाके करो। एंड जो एमएनएस की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 30 मई इसकी लास्ट डेट है, सो बिफोर 30 आप अप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी मच बेटर, सो दैट सेंटर जो है वो आपके आपको कन्वीनियंट सेंटर मिले, आपके घर के पास मिले एंड ज़्यादा दूर ना मिले। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन आर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो भी चेंजेस हुए हैं हमने इस एग्ज़ाम के पैटर्न में, आई विल प्रोवाइड यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपके आपके कोई भी डाउट्स हैं तो डू आस्क मी इन दी कमेंट्स।